स्पीडोग्राफी वॉल्यूम सेकंड एक्सरसाइज 9 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। थैंक यू मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन सर, लेट मी बिगिन बाय फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग द फाइनेंस मिनिस्टर। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज रेयरली हैज अ बजट रिफ्लेक्टेड सो क्लियरली द फिलोसॉफी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड अ फाइनेंस मिनिस्टर। सर एज यू नो अ बजट इज नॉट मेयरली अ कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिक्स। अ बजट प्रोवाइड्स यू द की टू व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द थ्रस्ट एंड द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। आई थिंक इन दिस बजट माई एस्टीम्ड फ्रेंड मिस्टर जेटली हैज क्लियरली ब्रॉट आउट अ सर्टेन फिलोसॉफी। आई हैव सेड हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग हिज क्लास फेलो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। वी डिड लॉ टुगेदर एंड आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम। पैरा सर द फर्स्ट गोल इज टू इंसेंटिवाइज कॉरपोरेट इंडिया एंड द फॉरेन इन्वेस्टर एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन पुअर, योर ओन डिप्राइव्ड एंड इवन योर ओन मिडिल क्लास। एंड द सेकेंड स्ट्रेटजी सर इज द स्पेक्टेकुलर एबडिकेशन एंड एबडिकेशन ऑफ द स्टेट, विदड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल फ्रॉम द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, मेक फिलोसॉफी कैपिटल फार मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन कैपिटल। सर आई वुड लाइक टू फॉलो द लॉजिक ऑफ दिस एंड आई वुड वेलकम द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इफ ही कैन रिबट इट, इफ ही इज नॉट टोटली रीऑक्यूपाइड इन अ कन्वर्सेशन। आई एम एड्रेसिंग यू सर, इफ दोज विद मनी बिकम बिगर दे मे इन्वेस्ट समथिंग बैक इंटू द इकोनॉमी एंड इफ द केक विल ग्रो बिगर देयर विल बी सम ट्रिकल डाउन क्रम्स इवन फॉर द पुअर, द डिप्राइव्ड एंड द नीडी। आई आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर इज द मनी कमिंग फॉर दिस। I have already said the hope of the government is pamper the rich so that they may provide the money, but where are the rich going to get this kind of money? Para sir, India of which I am very proud has already raided the banking sector. I am anti business sir. Let me clarify with clarity that we are not anti-business. Sir, a reference was made in the past to the NPA. Rupees 18 lakh crores of failed PPP projects in the area of infrastructure are with the banks. These NPA will be paid by the ordinary taxpayers. So where is the money going to come bank? Sir, I say that this budget indicates the philosophy that the public sector is going to be raided to facilitate the corporate sector.